सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो में। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें बहुत जब मैं करा रहा था तो बहुत लोगों को समस्या हो रही थी डाइस और क्यूब में। तो डाइस हमने कल चर्चा करी थी डाइस पे, और डाइस का ही एक पार्ट होता है क्यूब। दोनों बिल्कुल लगभग एक ही चीज है। तो आज हम चर्चा करेंगे बेटा क्यूब पर। और जब मैं आपको डाइस पढ़ा रहा था तो उसमें कुछ चीजें भी बताया था आपको, जिसमें आपको बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर कितना महत्वपूर्ण है ये आपको आज पता चलेगा जब आप क्यूब पढ़ोगे। तो उसमें डाइस में कुछ चीजें हैं जिसको जानना बहुत, अगर वो जान लेते हो आप तो क्यूब में आपको बहुत आसानी होती है। जैसे देखो हमने क्यूब यहां पर डाइस और क्यूब लगभग एक ही जैसे हैं। अच्छा, क्यूब में प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं ये जानना जरूरी होता है, और किन किन आधार पर पूछे जाते हैं, कैसे हमें समझना है वो पहले हम यहां जान लेते हैं, फिर हम प्रश्नों की तरफ पढ़ेंगे। देखो, जैसे पहले हम बात करें अगर सरफेस की, तो ये सब मैंने बेटा आपको डाइस की क्लास में बताया था। सरफेस होते हैं छह, सरफेस होते हैं छह, ए बी सी, तीन हमें दिख रहे हैं, तीन हमें दिख रहे हैं, और तीन देखो एक के जो विपरीत में बेटा वो हमें नहीं दिख रहा, पर एक सतह वो है, दूसरा ये बी है, बी के विपरीत में नीचे वाला वो भी हमें नहीं दिख रहा पर वो भी है, एक है सी हमें दिख रहा है और सी के विपरीत वाला नहीं दिख रहा है। मतलब तीन बेटा हमें दिख रहे हैं और तीन जो है वो छिपे हुए हैं, टोटल छह हो गए। अब कॉर्नर, कॉर्नर कितने होते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात, और एक इसके अपोजिट वाला आठ। और एज की अगर बात करें तो ये होते हैं बेटा बारह, ये होते हैं बारह, चार ये नीचे वाले, चार ऊपर वाले, और चार बेटा जो खड़ी वाली लाइनें होती हैं ऊपर की तरफ जाती हैं वो, तो टोटल बारह हो गए। अच्छा, क्यूब में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पहला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एक सतह रंगीन, वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगीन मतलब वन सरफेस पेंटेड। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा, दो सतह रंगीन, टू सरफेस पेंटेड। तीसरा आपसे क्या पूछा जाएगा, तीन सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन। और चौथा, देखो एक सतह होता है, दो सतह होता है और तीन सतह होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि बताओ आप कि कितने चार सतह रंगीन होंगे, कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनके चार सतह रंगीन होंगे, तो आप कह दोगे सीधा सा कि जिसका जीरो, इसका आंसर होगा जीरो, क्योंकि कोई भी ऐसा क्यूब नहीं होगा जिसका चार सतह रंगीन होगा या पांच सतह, तीन से ज्यादा कभी बेटा होगा ही नहीं। फिर अगर आपसे पूछे कोई सतह रंगीन आपको पता करना हो तो तीन ही मिलेगा, एक वाले को, दो वाले को, तीन वाले को जोड़ देना और टोटल क्यूब में से घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। पांचवा बेटा होता है कुल छोटे घनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, कुल छोटे घनों की संख्या। अब देखो जब भी आपसे पूछे एक सतह रंगीन तो यह आपको हमेशा सरफेस पर मिलेगा, एक सतह रंगीन हमेशा सरफेस पर मिलेगा, दो सतह रंगीन बेटा हमेशा एज पे मिलेगा, दो सतह रंगीन हमेशा एज पे मिलेगा, और तीन सतह रंगीन हमेशा कॉर्नर पे मिलता है। और यह हमेशा हमेशा तीन सतह रंगीन अगर आपसे पूछे, चाहे क्यूब कितने भी सेंटीमीटर का हो, इंच का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अगर आपसे तीन सतह रंगीन पूछ रहा है तो इसका आंसर हमेशा आठ ही होगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। इतनी बातें थी इसके कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, तो अच्छे से इसको समझेंगे हम।
जैसे ये आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा है और ये रहा टाइमर। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे और समय जैसे ही खत्म होगा मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को। समय समाप्त। देखो एक कंडीशन दी गई है, घन में प्रत्येक सतह 4 सेंटीमीटर की है, विपरीत सतह के जोड़े पर काले लाल और काले नीले और लाल रंग से रंगा गया है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर सतह के छोटे घन में काटा गया है। यह कंडीशन दी गई। अब इसी पे जो 5 टाइप के प्रश्न बताया था कि जो जो पूछे जाते हैं, 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, कुल घनों की संख्या और बिना रंगे हुए कितने घन बनेंगे, ये 5 प्रश्न ये कंडीशन दे देगी, इसी पे पूछे जाएंगे। पहले बात तो एक बात समझो, जैसे मान लो कि एक मैं लाइन खींच देता हूँ 4 सेंटीमीटर का है और इसको 1-1 सेंटीमीटर में काटना है तो कितने हिस्से होंगे। अगर 4 रुपए हैं आपके पास और इसको 1-1 रुपए में बांटना है तो आप 4 लोगों को बांट पाओगे? ये तो सब जानते हो ना कि अगर 4 रुपए को 1-1 रुपए में बांटना है तो 4 लोगों में बांट पाएंगे। अब एक बात सोचो कि इसके 4 हिस्से होंगे, 4 हिस्से होने के लिए हमें कट कितने लगाने होंगे, 3, 1, 2, 3। देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा हो गया। वो अलग बात है, थोड़ा सा ज्यादा कम दिख रहा होगा लेकिन समझ जाओ। तो यही चीज यहां भी कहा गया है, जैसे कि ये हमने एक डाइस बनाया, अब देखो कौन सा कलर ले, चल नहीं विजुअल नहीं है बढ़िया से, रुक जाओ। देखो एक हिस्सा हो गया, ये हमने दूसरा कट लगा दिया और ये हमने तीसरा कट लगा दिया। अब देखो 4 पार्ट बने, 1, 2, 3, 4। अब ये चीज यहां भी होगी, 1, 2, 3। अब ये चीज बेटा यहां भी हम करेंगे, 1, 2 और ये 3। देखो सबके 4-4 हिस्से हो गए, सबके 4-4 हिस्से हमें दिख रहे हैं। अब देखो पूछ रहा है कि कितने घनों की संख्या, तो देखो घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब करते हैं। यहां a को बेटा हम n कंसीडर करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि कुल कितने घन होते हैं, कुल कितने घन होते हैं, तो आपको a का क्यूब नहीं n का क्यूब करना होगा। अब n कैसे पता करेंगे, n क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि आपसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितने की है, 4 सेंटीमीटर की है। बड़े घन की भुजा कितनी बेटा, 4 सेंटीमीटर की है, तो n बराबर हो गया 4। और छोटे घन की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर में ही काटना है ना, तो 1 से भाग दो, तो n बराबर हो गया 4। अब अगर आपसे पूछे कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो 4 का क्यूब कर दो कितना हो जाएगा, 64। तो कुल घनों की संख्या बेटा हो जाएगी 64। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो कितने छोटे घन होंगे, तो n बराबर हमारा आया था बेटा 4, n बराबर आया था 4, तो कुल घनों की संख्या के लिए n का क्यूब करते हैं, तो 4 का क्यूब करो हो जाएगा 64। यही हमारा आंसर होगा। चलो
चलो इसका आंसर बताओ, ये रहा टाइमर, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताओ। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। कितने ऐसे घन होंगे जिनके तीन सतह रंगी होगी? अच्छा, तीन सतह रंगी बताना है ना, पीछे आओ देखो। अच्छा, तीन सतह रंगी कौन सी होगी? जैसे मान लो कि मैं यहां से एक पेन ले लूं, पहले देखो ध्यान से देखना, मैंने इसको लाल रंग से रंगा, ये मैंने इसको लाल रंग से रंग दिया। अब देखो इसको मैं हरे रंग से रंग देता हूं, क्योंकि और नीला काला लेंगे बेटा तो विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं लाल और हरा ले रहा हूं। चलो अब एक बात बताओ, अगर आप इस वाले डाइस को, एक कोई और कलर लेता हूं, येलो ले लेता हूं, देखो अब आप खुद सोचो कि आप जब इस वाले को निकालोगे, कॉर्नर वाले को ही निकालोगे, तो ही आपको एक ऐसा क्यूब मिलेगा जिसको, जिसका तीनों सतह रंगीन होगा, बाकी और को नहीं मिल रहा है। तो प्रत्येक कॉर्नर से एक मिलेगा आपको जिसका तीन सतह रंगा होगा, ऊपर वाला, इधर वाला और इधर वाला, बाकी और तो कोई होगा नहीं। तो केवल जब कॉर्नर वाला निकालते हो तो आपको तीन सतह रंगा हुआ मिलता है। और बेटा कॉर्नर होते कितने हैं? आठ, और एक कॉर्नर पे मिल रहा है एक। तो हमेशा अगर तीन सतह रंगा हुआ पूछे, अगर तीन सतह रंगा हुआ पूछे तो आपको इसमें कुछ सोचना नहीं होता, इसका आंसर बेटा हमेशा आठ होता है, इसका आंसर हमेशा आठ होता है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से बातें क्लियर हुई होंगी, अब कभी कंफ्यूज मत होना। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो। समय समाप्त हुआ। अच्छा यहां पे क्या दे दिया है, 125 छोटे बराबर बराबर घनों काट गया, मतलब कुल घन कितने मिले? 125 मिले। अच्छा कुल घन ज्ञात करने का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? एन क्यूब। यहां पे एन क्यूब की वैल्यू दे दिया है 125, अगर इसका निकाल दो क्यूब रूट तो क्यूब रूट 125, और ये बेटा वैल्यू होती है 5 की, यानी एन की वैल्यू तो हमें मिल गई 5, जो हमने वहां एन की वैल्यू निकाल के कुल घन की संख्या निकाली थी 64, यहां पे सीधे वो कुल घनों की संख्या दे दिया है, तो हमें एन की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखो जब एन की वैल्यू पता चल जाएगी तो केवल एक सतह रंगीन। अब खुद सोचो आप, जैसे मान लो कि मैं एक डाइस यहां पर बना, क्यूब बना रहा हूं, मैंने एक क्यूब यहां पर बेटा बनाया, पांच हिस्से करने हैं, तो पांच हिस्से करने के लिए बेटा हमें चार कट लगाने पड़ेंगे। एन की वैल्यू अगर 5 है तो 5 हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने के लिए हमें चार कट लगाने होंगे, 1, 2, 3, 4, हाँ हो तो गया 1, 2, 3, 4, 5, 5 हिस्से हो गए। अब चलो इधर से भी बना दे, एक
दो, तीन और ये चार, एक, दो, तीन और ये चार। आपको बार बार समझने की जरूरत तो नहीं, अभी फॉर्मूले से इसको बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। अब एक सतह रंगा कौन होगा? जो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। देखो जो हर तरफ से घिरा होगा, जो हर तरफ से घिरा है, वही तो केवल इसका एक ही हिस्सा सामने वाला खाली है। सामने वाला अगर खाली है बेटा, तो यही वाला हिस्सा इसका होगा ना। देख लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। नौ मिला क्योंकि यही देखो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन ऐसे होते हैं बेटा जो हमेशा सरफेस पर मिलते हैं। एक बताओ, एक सरफेस पे बेटा हमें कैसे मिले? देखो अगर इसको निकालोगे तो दो सतह रंगा हो जाएगा, इसको निकालोगे तो तीन सतह, यानी कि केवल यही जो हर तरफ से घिरे हैं, बीच, एग्जैक्ट बीच में होंगे, वही वाले एक सतह रंगीन होंगे। तो एक सतह रंगीन हमें मिले नौ। एक सरफेस पे मिले बेटा हमें कितने? नौ मिले। और होते कितने हैं? सतह छह। तो एक सतह पे अगर हमें नौ मिले तो छह सतह पे कितने मिल जाएंगे? 54 मिल जाएंगे। एक सतह पे हमारे कितने मिल जाएंगे बेटा? एक सतह रंगीन हमारे 54 हो जाएंगे। ये आप इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेकिन अगर इसे आपको ऐसे करना तो इसका फार्मूला होता है n माइनस टू का स्क्वायर इंटू सिक्स। ये फार्मूला होता है एक सतह रंगीन का, एक सतह रंगीन का बेटा ये होता है फार्मूला n माइनस टू। एन की वैल्यू क्या है? पांच। पांच में से दो घटाओ, इसका स्क्वायर करो, छह से गुणा करो। पांच में से दो घटाओ, तीन, तीन का स्क्वायर करो, छह से गुणा करो, हो जाएगा 54। तो ये कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और ये फार्मूले से भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से बातें क्लियर हुई होंगी। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो, इसका आंसर दो जल्दी से। टोटल 125 मिले थे, टोटल हमें 125 मिले थे। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर एक सतह रंगीन मिल गया, तीन सतह तो आठ होंगे, दो सतह भी अगर हम पता कर लें और टोटल में से अगर हम उनको घटा दें, एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन और तीन सतह रंगीन, तो हमें ऐसे क्यों मिल जाएंगे जिनका कोई सतह रंगा नहीं होगा? तो आप चाहे ऐसे करो, चाहे सीधे बेटा आप फार्मूले पे रख देना, चाहे सीधे आप फार्मूले पे रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो एन माइनस टू, पांच में से दो घटाओ कितना होगा? तीन, और तीन का क्यूब कर दो हो जाएगा 27। तीन का क्यूब कर दो हो जाएगा 27, यानी कि 27 ऐसे क्यूब होंगे जिनका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं होगा। देखो ये तो फार्मूले से आ गया। अब यहां पे देखो, तीन सतह बेटा आठ होंगे, एक सतह हमारा कितना आया था? 54। एक सतह हो गया 54। दो सतह ज्ञात करना है अगर, देखो दो सतह कौन से मिलेंगे? ये वाला मिलेगा, ये वाला, ये वाला, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और कोई नहीं मिलेगा। मतलब हमेशा दो सतह जो बेटा किनारों पर मिलते हैं, किनारे होते कितने हैं? 12। एक किनारे पे हमें कितना मिला? तीन। एक किनारे पे हमें मिला तीन, तो 12 किनारे पर कितना मिल जाएगा? एक किनारे पे बेटा हमें मिल रहा है, देखो यही मिल रहा है ना, इसका दो सतह रंगीन होगा, इसका दो, क्योंकि इसको निकालोगे तो तीन सतह हो जाएगा। तो कितना मिला? एक, दो, तीन, तीन यहां भी मिलेगा, तीन यहां भी मिलेगा, तीन यहां भी, तीन मतलब हर किनारों पर मिलेगा। एक किनारे पर तीन, तो 12 किनारे पे हो जाएगा बेटा कितना? 36। 12 किनारों पे हो जाएगा 36। इसका फार्मूला होता है क्या? इसको फार्मूला से छोड़ो अभी, इसको जो है वो फार्मूला से, चाहे आप देखो फार्मूला इसका कैसे बना सकते हो आप। एक किनारे में से अगर एक किनारे की बात करें बेटा, तो ये हमेशा एक और दो, दो निकल जाएंगे जो तीन सतह रंगीन वाले होंगे,
एक किनारे से बेटा हमेशा दो वाले निकल, दो निकल जाएंगे, एक इधर वाला लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, जो कि तीन सतह रंगे होंगे, यानी कि दो हमेशा निकलेंगे। तो एन टोटल होता है 1 2 3 4 5, एन टोटल होता है, इसमें से दो निकाल दो। अब ये काम आप एक किनारे पर किए हो और किनारे होते हैं कितने बेटा, 12। तो देखो 5, 5 में से 2 घटा होगा 3, 3 में 12 से गुणा कर दो बेटा, हो जाएगा 36। तो ये होता है दो सतह का। तो देखो 54 और दो सतह हो गया बेटा 36, टोटल कितने हो गए, 6 4 10 8 18, बचा कितना, 1, 5 3 8 8 1 9, 98 हुआ। टोटल कितने थे, 125 थे। तो 125 में से आप 98 घटाओ तो बच गया हमारा 27, यानी 27 ऐसे होंगे जिनका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं होगा। और चाहे तो इसका फार्मूला लगा लो, n माइनस 2 का होल क्यूब। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूं सबको चीजें बहुत आसानी से बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ये रहा आपके सामने बेटा आपका होमवर्क। और क्यूब में इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर क्यूब में कुछ नहीं आएगा। क्यूब के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में समझा दिया, और अगर किसी को डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर।